कृष्णा से, ठीक है, आप लाइन समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और उधर कर्ण का कोई दूर उधर रहा होगा, आप लाइन सुनो। जब युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, इतिहास में अमर है, इतना खतरनाक युद्ध हुआ। तो क्या हुआ, जब दोनों युद्ध हो रहे थे और रथ में बैठे थे कौन, कृष्ण भगवान अर्जुन, तो अर्जुन जब बाण चलाता था तो कर्ण के जो रथ पड़ता था तो रथ जो है कम से कम में 10-20-30 फीट पीछे चला जाता था। कितना फीट, 10-20 फीट पीछे चला जाता था। अब वो जो मारता था कर्ण बाण, तो अर्जुन का जब रथ पड़ता था मुश्किल से 1-2 फीट ही हिलता था, पीछे हटता था। कितना फीट, 1-2 फीट ये चल रहा है सिलसिला। और उसी बीच जब देखता है, जब कर्ण की तारीफ करता, फिर जब मारता है बाण तो अर्जुन का रथ पीछे हटता था, कृष्ण भगवान तो वाह कर्ण वाह क्या बात है। तो इनको जी समझ में नहीं आता कहानी, उसको अर्जुन को, हाँ मैं मारता हूँ 30-40 फीट पीछे जा रहा है और वो मारते हैं मुझे से 1-2 फीट हिल रहे हैं, तो इसमें तारीफ कर रहे हो, ये क्या बात है भाई। बोले दिखाऊं क्या, बोले हाँ बताओ मेरे को कहानी क्या है। बोले बोले कि तेरे रथ में जो बैठा है कौन है पता है, पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का वजन लिए बैठा हूँ मैं। सुनो कृष्ण भगवान, पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का वजन लिए बैठा हूं और तेरे रथ के झंडे में कौन बैठा है बताए, हनुमान, जिसमें तेरा भाई जो है ना उसका पूंछ नहीं उठा सकता। अर्जुन का भाई कौन था, भीम, उसका पूंछ नहीं उठा सकता, वो वहां विराजमान है, वो छत में, वो झंडे में बैठा है। अब तेरे दिखाना है, मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ। उसको इशारा किया कृष्ण भगवान निकल करके, वो कूद के बाहर निकल गया झंडे से, और ये अपने आप को भारविहीन कर दिया, शून्य कर दिया अर्जुन, कृष्ण भगवान अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अगला तीर कर्ण का जब दंदन दंदन आया है, लगा रथ में सीधा आकाश में ले गया। हेलो अपलाइन स्माइल अपलाइन रिस्पेक्टेड अपलाइन है जो आपका वजूद है, ये सुनो आपका आधार है, तो रिस्पेक्ट करें, समर्पण करें, क्योंकि नॉलेज जानकारी सारा चीज अनुभव ऊपर से ही आएगा, ये सुनो, तो रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने आप को समर्पित कर दो बिजनेस में, निहंकारिता बन जाओ, विद्यार्थी बन जाओ, सीखने के लिए बन जाओ, मुझे सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ कुछ नहीं आता, मुझे कुछ सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता, 2,25,000 रुपये पर मंथ इनकम। समर्पण करो अपने अपलाइन के, फिर एकदम आप बच्चे बन जाओ, ये सुनो इस तरह से पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, हम लोग यूनिटी में रहेंगे, यूनिटी से बाहर करने की कोशिश ना करो सर, यूनिटी में ही ताकत है। अगर मैं आपको एक लकड़ी दूं आप तोड़ लोगे, 10 लकड़ी को मिला के अगर गुच्छा बना के दूं नहीं तोड़ पाओगे। हेलो पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी में बहुत पावर है, हम लोग यूनिटी में रहना है, यूनिटी में रहना। आप जैसे कितना अच्छे, आपने एक मैसेज किया किसी को, ज़्यादा प्रमोशन भी हम लोग नहीं किए थे, आपको सिर्फ मैसेज किया आप लोग पहुंच गए। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी से बाहर हमें काम नहीं करना है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या था, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपको हरदम वही बात बोलना है जो आपको चाहिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों की भाषा, शब्द करे औषधि, शब्द करे घाव। हेलो आपकी शब्दावली में ध्यान देना कि आप इसके व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक शब्द से महाभारत हो गया तो भाई साहब, सिर्फ शब्द से इतना खतरनाक चीज है। किसी का ईगो, हमें हरदम पॉजिटिव थॉट डालना है, पॉजिटिव सोच डालना है, हरदम पॉजिटिव सोच बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा 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 बोल के, अच्छा अच्छा बोल के हम लोग अच्छे हो जाएंगे। यस सर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, इतनी पावर बोले, ये 3 पावर को आपको याद रखना है, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ यूनिटी में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इस चीज को फॉलो करेंगे तो 100% हम।